छठी माई की जय, छठी माई की जय। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आ गए हैं छठी माँ के दरबार में, और सभी लोग, सभी श्रद्धालु जितने भी थे छठ माँ का व्रत किए थे, आज सभी लोग इस मंदिर में आते हैं। और जो भी रास्ते में मंदिर पड़ता है, सबकी पूजा करते हुए हम लोग छठ घाट पर सुबह को पहुंचते हैं अर्घा के दिन। तो देखिए यहाँ कितनी रौनक है मंदिर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं ननद है, देवरानी जेठानी, सभी लोग अपना जो दिया अगरबत्ती है, कपूर है, ये सब जला रही हैं, और बड़े ही श्रद्धा मन से, श्रद्धा भाव से पूजा किया जा रहा है। और सुबह तो वैसे भी बहुत अच्छा माहौल होता है, शांतिपूर्ण रहता है। हम सभी लोगों ने पूजा किया एक साथ, देखिए, और सभी लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर भी बहुत ही अच्छा है और हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़कियाँ, बूढ़े, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग आते हैं। रात में तो इतनी रौनक रहती है कि क्या ही बताऊँ। और ऐसा तो छठ के ही पर्व के समय होता है, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छठ माँ का ये व्रत। और मैंने बड़े श्रद्धा भाव से ये व्रत उठाया है और पूर्ण हुआ है। आवाज़ भी ठीक से नहीं जाती होगी आपके पास, लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल देखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ देखिए दीपक और बाती कलश के साथ, और यहाँ काली जी का ये रूप है। तो हम लोग बारी बारी से सभी लोगों ने पूजा किया, उसके बाद से छठ माँ के घाट पे गए। हनुमान जी थे वहाँ, मैंने पूजा की। हनुमान जी का भी मैंने वीडियो दिखाया है आप लोग को पहले भी, जो लोग ओल्ड फ्रेंड हैं वो लोग देखे होंगे। तो यहाँ भी हम लोगों ने कपूर अगरबत्ती जलाई, और मैं तो गंगा जल लेकर आती हूँ। और जिन जिन मंदिर में जाती हूँ, जिस जिस मंदिर पे जाती हूँ, मैं पहले गंगा जल से छिड़काव करती हूँ, उसके बाद से अगरबत्ती, धूप, कपूर, जो भी होता है, मैं यहाँ पे देखिए जला रही हूँ। तो बहुत ही शांतिपूर्ण मन से हम लोग श्रद्धा भाव से पूजा किए। फिर हम लोग देखिए सड़कों पे निकल गए हैं, तो पूरी दुकानें जो है खुल गई हैं यहाँ पे, और बहुत ही रौनक है छठ पर्व का यहाँ पर। तो देखिए आगे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे जलेबी, इमरती और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो जिसको मन करता है, जो लोग घूमने आते हैं देखिए, वो खरीदते हैं, खाते हैं। हम लोगों का तो व्रत रहता है, इसलिए हम लोग श्रद्धा भाव से घाट की ओर चले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों के खिलौने, समोसा, टिकिया, चाट, फुल्की, मतलब जो भी हो खाने का सामान सब यहाँ पे मिलता है। फुल एंजॉय करते हैं लोग और बहुत ही अच्छा लगता है। घाट की रौनक इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बिहार में भी ऐसा ही होता है, और यहाँ पे भी देखिए आ चुके हैं घाट के पास हम लोग। यहाँ भी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कैमरे से सब छिप जा रहा है। आ चुके हैं वेदी के पास, और ननद और मेरा एक ही जगह पूजा करने का स्थान था, भांजे का वेदी बना हुआ था, उसी पे मैं भी बैठी थी, और जेठानी
के जो बेटे हैं हर्षित बाबू, उनका वेदी बना हुआ था तो वहाँ पे देवरानी बैठी हैं। तो एक वेदी पे दो लोग बैठे थे हम लोग। तो यहाँ आके देखिए, फिर सुबह जो भी रहता है चढ़ाने का, गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, उसके बाद से बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है। फिर जितने भी सामान होते हैं हम लोग रखे रहते हैं, उसको काफ़ी समय लगता है ढूंढने में। घर से तो एकांत रहता है, अच्छे से सामानों को रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, यहाँ पे इतना ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये हुआ कि इस बार का हम लोगों का छठ पर्व बहुत ही बहुत बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सवेरे हम लोग 3 बजे आ गए थे अर्घा के एक दिन पहले, और ये है अर्घा के दिन का वीडियो। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य देव का उदय होंगे, हम लोग अर्घा देंगे और अपने घर आएंगे। इसके आगे की वीडियो मैं नहीं बनाई दोस्तों। चलते हो, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे कृपा।